अस्सलामुअलैकुम। आज रमज़ान का डे 13 है। सो रूटीन सारी वही है, लेकिन अब्दुल्ला जो है वो माशाल्लाह ग्रोइंग अप हो रहा है, तो उसकी जो शरारतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। सो मैंने उसको एक्सरसाइज के लिए लेके जाना था, सो बस वहाँ लेके गई। और उसके बाद जी अफ्तारी की प्रेप की, क्योंकि जब मैं ऑलमोस्ट आने वाली होती हूँ उसको एक्सरसाइज से करवा के, तो अफ्तारी का टाइम हो जाता है। सो वो स्टार्ट की अफ्तारी, और मेरे घर में मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं, तो मैंने फिर जल्दी से अपनी उनके हिसाब से जल्दी से फूड शर्ट रेडी कर ली। और बस मैंने कहा जब तक फूड शर्ट रेडी करके इसको फ्रिज में रख देती हूँ, और उसी देर में मैंने जो है ना पकौड़ों का बैटर रेडी कर लिया हुआ था। सो जस्ट अब मैं उनको फ्राई करूँगी और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें भी रेडी कर लेती हूँ। तो बस रूटीन वही है, खाना पीना तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, स्पेशली अब भी बच्चे तो छोटे हैं, उनके तो रोज़ा नहीं होता, लेकिन खाना वगैरह जो है ना वो सारा दिन चलता रहता है, तो सारा दिन खाना बनाते रहो जी। जब तक ऑयल गर्म होता है तो हम उसी देर में फूड शर्ट फ्रिज में रख देते हैं। सो बस मैंने बैटर रेडी कर लिया हुआ था, सो अब मैं उसको फ्राई करने के लिए रख रही हूँ। और बस साथ साथ यही रूटीन थी कि रोज़ फ्राई आइटम्स तो बिल्कुल खाए नहीं जाते, वो कभी कभी वेदर की वजह से या बहुत ज़्यादा दिल कर रहा हो ना, लाइक बहुत ज़्यादा इस तरह के क्रिस्पी टाइप की चीज़ खाएँ, तब मैं बना लेती हूँ, वरना फिर मेरा यही होता है कि कभी खाना अफ्तारी में तैयारी कर लें तो कभी कुछ। तो मेरे पास जी ये थोड़ी सी वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी और थोड़ा सा लेफ्ट ओवर चिकन था। आप लोग स्किप भी कर सकते हो, आप लोग चिकन के बजाय एग भी डाल सकते हो बॉयल, या आप लोग चिकन भी यूज़ कर सकते हैं बॉयल करके। तो मैंने जी बस 1 कप इसमें मायोनीज लिया था, और मेरे पास थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नमक डाला, और कुछ वेजेस पड़ी हुई थी, सो मैंने उनको चॉप करके इसके अंदर मिक्स कर दिया था। और बस मैंने इस पर 6 to 8 स्लाइसिस पे इसको स्प्रेड करके सैंडविचेस तैयार कर लिए थे बस। और बस आज यही रूटीन थी कि जो चीज़ें हैं ना जल्दी जल्दी बन जाए, रोज़ ज़्यादा फ्राइड आइटम्स खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। और बस अब मैं इनको स्प्रेड करने लगी हूँ, और अफ्तारी करने में बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया था, सो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी बना लूँ जब तक फ्रेंड आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग साथ ही अफ्तारी करेंगे। बस अब मैं इनको ना स्प्रेड करके इसको रैप कर दूँगी ताकि ये ड्राई ना हो जाए ब्रेड जो है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके जी, मैंने इनको स्प्रेड कर लिया और साथ में इनको कट भी कर लिया है, और अब मैं इसको रैप कर दूँ ताकि अफ्तारी तक ड्राई ना हो जाए। और बस मेरे पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं क्रिस्पी। अगर आप लोगों को पकौड़ों की रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और हाँ जी, मेरी मज़ेदार फ्रूट शर्ट भी रेडी हो चुकी हुई है, और मैंने शरबत तैयार करना था, तो मैंने आज एलमंड वाला शरबत तैयार किया। और जो है ना मुझे ये पता नहीं क्यों एलमंड वाला शरबत ना गले में लगता है जब मैं ऐसे बनाती हूँ, लेकिन दूध में ऐसा नहीं लगता, पता नहीं ऐसा क्यों है। खैर मैंने ये बना लिया हुआ था, और मैं टैंक का वेट करी थी कि टैंक आ जाए और मैं फिर उसको बनाऊँ। बस खैर जब तक मैंने ये वाला बनाया, उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए, तो साथ ही मैंने चीज़ें टेबल पे लगा दी, और तब तक जो है ना ऑरेंज वाला टैंक भी बना लिया हुआ था। सो बस उसके बाद जी अफ्तारी का टाइम हो गया, और फिर उसके बाद जी नमाज अदा की मगरिब की। सो उसके बाद जी जो है ना अफ्तारी के बाद ही ना आपको इतनी ज़्यादा लेजनेस हो जाती है कि समझ ही नहीं आता कि जो है ना कुछ करने को दिल करता। आज कल तो बोल के मैं अफ्तारी के बाद चाय जो होती है क्रेविंग किया, तो मैं चाय भी नहीं पी रही उसको। और बस उसके बाद जो खाना है वो मैंने जी बना लिया हुआ था, मतलब कभी डिनर बच्चों को भी करवाना होता है और मीट को भी देना होता है, तो कभी हस्बैंड भी खा लेते होते हैं, तो जी डिनर उन्होंने ला करना होता है। सो डिनर जो है ना सारो सहरी के लिए मैं प्रेप कर देती हूँ। और बस खाना रेडी हो चुका हुआ था, ऑलमोस्ट कुक हो रहा था, सो उतनी देर में दूध भी बॉयल हो गया। और